बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड टूर में आपको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे लाहौर कलंदर की दमादम मस्त कलंदर परफॉर्मेंस की, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लिए और उसके साथ ही बेल के आइकन का निशान होगा उसको भी दबा लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों बात करते हैं PSL 5 के जनून की, जिसकी खुशियाँ कोरोना वायरस के बायस मान पड़ गई थी लेकिन अब फिर दोबारा से आगाज हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि फरवरी से मार्च में PSL 5 के 5 मैचेस मुनक्किद होने थे, जबकि 4 मैचेस कोरोना वायरस के बायस मुलतवी होकर रह गए, जो कि अभी नवंबर में जारी हैं। और ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर्स को कोरोना वायरस में कोई जादू का चिराग मिल गया है, जो दमादम मस्त कलंदर करते ही पिशावर जलमी और मुल्तान सुल्तान को हरा कर बाहर कर दिया है। लाहौर कलंदर्स पहुंचे हैं पहली दफा फाइनल में और हर कोई यही कहता नजर आ रहा है कि वी विल सरप्राइज यू, यानी कि लाहौर लाहौर है और फाइनल में भी दमादम मस्त कलंदर ही होगा। दोस्तों यहाँ पर लाहौर कलंदर्स के ओनर और मशहूर बिजनेसमैन फवाद राणा का तस्करा करना भी लाजमी है। कुछ भी हो जाए PSL की रौनक यही बंदा है, जहाँ हर दफा मुस्कुराहट के साथ उसको वापस तो जाना पड़ता है, लेकिन राणा साहब की वही मुस्कुराहट की वजह से इनकी टीम आज लाहौर कलंदर जो के फाइनल में है। बहुत लोग ये कहते भी नजर आते हैं कि कुछ भी हो जाए राणा साहब के लिए एक दफा तो लाहौर कलंदर को दमादम मस्त कलंदर करना ही होगा ताकि इनकी यही हंसी बरकरार रहे। और आज वही दिन है कि राणा साहब के सबर और मुस्कुराहट ने जहां दिलों में जगह बनाई है, वहीं आज लाहौर कलंदर ने मैदान भी मार लिया है और उस मैदान के बायस उनको फाइनल में रसाई हासिल हुई है। शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी की एक वजह राणा फवाद भी हैं। 12 नवंबर को राणा फवाद ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें वो बताते हैं कि वो कराची में अपनी टीम की हमायत के लिए पहुंच गए हैं। इस पर सोशल मीडिया सार्फीन ने काफी दिलचस्प तबसरे भी किए हैं। ग्राउंड में खेल के उतार चढ़ाव के साथ इनका रद्द अमल देने और जश्न मनाने का मुनफरिद अंदाज हो या फिर मैच हार जाने के बाद मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसके बाद इनकी आवाज में कलंदर्स का थीम सॉन्ग, शायकीन इनकी हर अदा को तवज्जो से देखते हैं। इनकी मकबूलियत का अंदाजा सोशल मीडिया पर होने वाली हालिया बहसों मुबाहिसा से भी लगाया जा सकता है। इस PSL में राणा साहब को बहुत लोग मिस कर रहे थे क्योंकि वो आ नहीं सके, लेकिन जब आए हैं तो खुशकिस्मती साथ लाए हैं। इस हवाले से लोगों के पैगाम भी हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाने वाले मैच में लाहौर कलंदर्स ने पिशावर जलमी की जानिब से जीत के लिए दिया गया 171 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया और कल लाहौर कलंदर्स ने 25 रन से मैच की जीत को अपने नाम किया। इनकी वीडियो पर ही सैकड़ों सार्फीन ने वेलकम बैक राणा साहब कह दिया। एक सारिफ ने पैगाम पर रद्द अमल दिया कि अब लाहौर ने फिर से हारना शुरू कर देना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इनके लिए लाहौर जीते। इस तरह एक सारिफ ने लिखा कि फवाद राणा की आमद से हो सकता है कि लाहौर का बुरा वक्त शुरू हो गया है। एक सारिफ ने लिखा कि मुझे इनके लिए दुख हो रहा है। फरहान नामी सारिफ ने लिखा कि राणा साहब पहुंच तो गए हैं, लेकिन मुझे डर है कि जितनी जल्दी ये पहुंचे हैं कहीं इतनी ही जल्दी वापस ना जाना पड़े। तो दोस्तों अब फाइनल का टाकरा होना है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस टीम के साथ हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।